हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा प्रश्नावली 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली हमारा 3.6 है। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम V III I यानी 8 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है, 1/3x + y है, 7/3x - y, 3x + y, 3x - y, फिर यहाँ 3x + y, 3x - y। इसको रैखिक समीकरण युग्म बना के हल करना है, तो हम लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि 3x + y बराबर हमने a मान लिया, तथा दूसरा जाएंगे 3x - y बराबर हमने b माना। अब ये हमारा समीकरण बन जाएगा 1/, इसको हमने a माना है तो a, 1/, इसको हमने b माना है तो ये 7/b बन जाएगा, बराबर बन गया हमारा 3/4 हो गया। समीकरण नंबर हम इसको 1 बना लेंगे। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो 1/2, इसको हमने a माना है तो a लिखेंगे, -1/2, इसको हमने b माना है तो b लिखेंगे, और ये बराबर हमें मिला -1/8 हो गया। अब यहाँ 1/a है और यहाँ पर 2/2 है, तो 2 से हम गुणा कर देंगे ऊपर, तो बन जाएगा 2/2a - 2/2b, और ये बराबर होगा -2/8। ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी ये हमारा समीकरण बन जाएगा 1/a मिला 1/a - 1/b बराबर, यहाँ मिल गया 1/a, 1/b, और ये मिला 1/4 यानी -1/4, इसको हमने 2 बना लिया। समीकरण 1 हमारा था 1/a और प्लस था यानी 7 अर्थात 7/b, और ये बराबर था हमारा 3/4। अब इन दोनों को हल करेंगे तो गुणांक इसका बराबर है, 1/1/1 दोनों में है, तो हम इसको घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो यहाँ आ जाएंगे घटाने पर, लिख देंगे घटाने पर। अब हमारा इसमें से घटेगा तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, दोनों में बी बराबर है हर, तो अंश हमारा दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, 7/1 8/b बराबर, यहाँ 4/4 बराबर है, दोनों माइनस है, ये भी जुड़ जाएगा, 1 और 3 मिला के -4/4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कट के 1 आ गया, तिर्यक गुणा कर देंगे तो b बराबर हमें मिल जाएगा 8, और b हमने किसको माना था, तो b हमने माना था 3x - y को, तो यहाँ लिख देंगे 3x - y बराबर, हमें b मिला था इसके स्थान पर, b के स्थान पर 3x - y बराबर 8। समीकरण नंबर अभी तक हमने 1, ये 1 था, ये 2 था, तो इसको हम 3 बना लेंगे। आगे आ जाएंगे, अब इस b वाले मान को हम समीकरण नंबर या तो 1, 2 में रखें या तो 1 में, तो हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो b का मान समीकरण 2 में हम लेते हैं, 2 में रखने पर, तो हमारा 2 समीकरण क्या है, 1/a है -1/b, और b का मान हमने 8 निकाला है तो 8 हो गया, ये बराबर है -1/4, ये जाएगा प्लस बनाएगा तो 1/a बराबर होगा -1/4, और ये प्लस हो गया 1/8 हो गया। अब हम करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 आ गया, 8 × 1 = 1 आ गया, इसमें से घटेगा तो -1/8 आ जाएगा, ये 1/a था, 1 1 के बराबर है तो ए बराबर -8 बन जाएगा, ए बराबर -8 होगा, और a हमने किसको माना था 3x + y को, तो लिख देंगे 3x + y बराबर होगा -8। समीकरण 3 बनाए थे, इसको हम 4 बना लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को हमें हल करना है, तो यहाँ हम आ जाते हैं और यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिला, एक समीकरण हमारा बन गया यहाँ से कि 3x - y बराबर 8 है, दूसरा समीकरण मिला 3x + y बराबर हमें मिला -8। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 6x हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर हमें 6 का भाग दे देंगे, 0 आएगा, यानी x का मान हमें 0 मिल गया। अब आगे आते हैं, हम y का मान रखते हैं, तो x का मान 0, समीकरण नंबर या तो हम 3 में रखेंगे या तो 4 में, तो आइए हम समीकरण 3 को ही ले लेते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ आ जाते हैं,
तो यहाँ पर हमें मिला कि यक्ष का मान समीकरण तो हमने किस में रखा, तो तीन में आ जाते हैं, तीन में रखने पर। तो समीकरण तीन क्या है, तीन यक्ष है, तीन यक्ष माइनस वाई बराबर हमारा था आठ। हम यक्ष का मान निकाल चुके हैं जीरो, तो यहाँ जीरो रखेंगे, तो तीन गुणे जीरो माइनस वाई बराबर आठ, ये जीरो हो गया, माइनस वाई बराबर आठ आया, वाई बराबर हमें माइनस आठ मिल जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहाँ पर यक्ष और वाई के मान को हम लिखते हैं, तो हमें मिला यक्ष बराबर, तो यक्ष का मान जीरो मिल गया और वाई बराबर मिला, तो वाई बराबर हमने पाया माइनस आठ। अगर हम आंसर चेक करना चाहें तो आइए चेक करते हैं, एक बटा यक्ष का मान जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस आठ, यानी माइनस एक बटा आठ हो गया। यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सात बटा आठ, क्योंकि ये जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो सात में से एक घटेगा, यानी छः बटे आठ आएगा, दो से काटेंगे, दो तीन छः, दो चौका आठ, यानी देखिए हमारा तीन बटे चार के बराबर हो गया। अब अगर हम दूसरे में रखते हैं तो दूसरे में हमें क्या मिलेगा, एक बटे ये जीरो हो गया, ये आठ हो गया, आठ दूनी सोलह हो गया, यानी माइनस एक बटे आठ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस यहाँ मिलेगा, और एक बटे माइनस माइनस प्लस आठ, यानी ये भी आपका यहाँ प्लस आया और यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस बन गया। हल करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, तो माइनस दो बटे आठ आएगा, और ये अच्छा सारी यहाँ बटे दो था, इसमें भी बटे दो था, तो यानी यहाँ दो बन जाएगा और यहाँ भी दो बन जाएगा, तो ये सोलह सोलह हो जाएगा, माइनस दो बटे सोलह आएगा, दो से काटेंगे, दो एक का दो, दो बटे सोलह माइनस एक बटे आठ, इसका मतलब ये भी हमारा सवाल सही है। तो हमारा आंसर क्या मिला, हमारा आंसर यही आ गया, यही हमारा आंसर बन जाएगा, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर माइनस आठ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।